अंत्योदय कार्ड हम लोग का मिलना चाहिए सर, सरकार आदेश किया लेकिन अनुमंडला पदाधिकारी पीएचएच बना दिया, जबकि दिव्यांग का सरकार आदेश किया कि अंत्योदय दिया जाए। जब 22 तारीख को हमने अनुमंडला पदाधिकारी के कार्यालय घिसक के ऊपर गए तो दिव्यांग से नहीं मिला, धुतकार के भगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। क्या चाहते हैं हम लोग? जब तक अंत्योदय कार्ड नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे, केस करेंगे अनुमंडला पदाधिकारी से। जी मैं जिला विकलांग संस्थान को सचिव हूँ सर, और जब ऊपर मिलने गए तो दिव्यांग को धुतकार के भगा दिया, बोला आपका काम नहीं करेंगे, सब काम तो अंत्योदय देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सबको अंत्योदय दिया, हमको नहीं देगा, नहीं देगा, भीख मांग के खाएंगे, अपना अधिकार के लिए केस जरूर करेंगे। इसमें भी हम विभाग से बात करने में तैयार है, हम बात कर रहे हैं, अगर खरेड़ी साहब कहेंगे कि हाँ करिए तो वहाँ से अगर साइट चालू कर देंगे फिर बना देंगे। बात वार्तालाप ही है? नहीं, वार्तालाप क्यों करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसको धरना प्रदर्शन का आदेश नहीं दिया है, तो बिना परमिशन के, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे तो क्यों बात करेंगे इससे हम भाई? तो उस पर कार्रवाई होगी सर? हाँ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे हम। क्यों धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सर ये लोग? अरे धरना प्रदर्शन वही है कि पीएचएच राशन कार्ड इन लोग ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि राशन कार्ड नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अंत्योदय में, तो चूंकि अंत्योदय कार्ड अभी नहीं बन रहा है, वो विभाग से जो है अभी है कि भाई अंत्योदय कार्ड का साइट ही बंद है, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से चूंकि विकलांग लोग हैं, इन लोगों का हम प्रयास करते हैं, इस भाग से बात करते हैं, अभी सेक्रेटरी सर लोग ड्यूटी में है, वो निकलते हैं तो सामने एक बार बात करते हैं, अगर सर का आदेश होगा कि नहीं बना दीजिए, हम लोग यहाँ साइट चालू करवा देते हैं, फिर बन जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इन लोगों का तरीका गलत है ना, पहले इन लोगों को परमिशन लेना चाहिए धरना प्रदर्शन करने के लिए। इस पर कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल कार्रवाई तो होगी ना। थैंक यू सर।